हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2022 की ईयरली रीडिंग। तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2022 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो 2022 में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। तो देखिए, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और अगर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग से शुरू करना चाहते हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र इन जनरल 2022 पे डाल लेते हैं। तो देखिए, जब हम 2022 को टोटल करते हैं, वी गेट नंबर 6। और नंबर 6 न्यूमरोलॉजी में वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह कंफर्ट, लग्जरी, लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, फन, मज़ा, मस्ती, एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग और व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, या तो इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा फोकस 2022 में रहने वाला है या फिर ये चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में ऐड हो सकती हैं। और देखिए, अगर आपका प्रोफेशन भी इन्हीं सब में से है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी 2022 में काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। और देखिए, शुक्र की राशियाँ होती हैं लिब्रा एंड टॉरस। शुक्र के मित्र हैं सैटर्न एंड मर्कुरी। सैटर्न और मर्कुरी की राशियाँ हैं कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, वर्गो एंड जेमिनी। और इन राशियों के लिए भी 2022 काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका नेम, नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 369 है तो आपके लिए भी 2022 अगेन मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम पिछले 2 सालों से कंपेयर करें तो 2022 अगेन काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिन राशियों को मैंने अभी मेंशन किया, या फिर से अगर आपका नेम, नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 369 है तो आपके लिए थोड़ा सा खास अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, दूसरी बात, आई ट्रूली बिलीव दैट नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। और कुछ भी फिक्सेटेड नहीं होता है। और देखिए, इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस ही लें, क्योंकि देखिए, जो भी इस रीडिंग में आप देख रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है देख के, या फिर आपको लगता है कि यही आप 2022 में अपनी लाइफ के लिए चाह रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसे लगता है कि भाई, ये तो आप 2022 के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए नहीं चाह रहे थे, तो वहीं पे आपने पॉज करके थोड़ी सी चेकिंग करनी है। क्योंकि देखिए, ये रीडिंग, जो भी आपकी करंट एनर्जीज हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, बिहेवियर है, उसी के बेसिस पर एक प्रोबेबल आउटकम है, ये 100% नहीं है। इनफैक्ट देखिए, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको 100% नहीं बता सकता, क्योंकि नोबडी इज गॉड, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और देखिए, ह्यूमन बींग्स का एक लिमिटेड विजन होता है। तो देखिए, फिर से इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और कभी भी आपको लगे कि भाई, यू नो, ये आप 2022 के लिए अगेन नहीं चाहते हैं, तो आपने अपनी चेकिंग करनी है कि आपके गोल्स के साथ आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर्स अलाइन हैं या नहीं हैं। क्योंकि देखिए, हम सब लोगों की लाइफ का मसला ही ये है, हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसीलिए हम अपने गोल्स को भी नहीं अचीव कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती हूँ और मैं गोवा के बारे में सोच रही हूँ, गोवा की टिकट्स देख रही हूँ, गोवा के रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स देख रही हूँ, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं गोवा ही जाऊँगी और फिर देखिए मैं परेशान होंगी। इसी तरीके से हमारा गोल कुछ और होता है, हम सोचते और करते कुछ और हैं। और देखिए, अगर आपने 2022 में जाने से पहले इस चीज़ की चेकिंग करके इसको करेक्ट कर लिया, तो कोई दुनिया की ताकत आपको आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और मेरी यही विश है कि जो भी आप अपने लिए 2022 के लिए चाहते हैं, ये रीडिंग उसी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे। और इसी के साथ हम 2022 की रीडिंग शुरू करते हैं। तो एरीज, इससे पहले कि हम 2022 की रीडिंग शुरू करें, एक नज़र 2021 को देख लेते हैं।
तो फिर से देखिए 2021 के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द हर्मिट द फूल, और ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो ओवरऑल ही 2021 में या फिर 2021 की स्टार्टिंग में या तो एक अकेलापन आपने चाहा या फिर बहुत ज़्यादा एक अकेलापन आपने महसूस किया। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट यू नो रीज़न्स हो सकते हैं अकेलेपन के। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई आप अपने लव्ड वन से दूर थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ रह रहे थे पर फिर भी उनकी तरफ से इतनी सपोर्टिव इतनी कोऑपरेटिव एनर्जीज आपने नहीं महसूस करी या फिर वो कनेक्शन उनके साथ आपका नहीं बना या आपने नहीं महसूस किया। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आपने चीज़ों से अपने आप को विड्रॉ किया, लोगों से अपने आप को विड्रॉ किया, आपने बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं करा। और देखिए किसी चीज़ को लेकर एक खोज एक सर्च भी आपकी चलती रही या मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज़ को मन ही मन आप ढूंढते रहे और एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में आप रहे। किसी चीज़ को लेकर अगेन देखिए एक यू नो नॉलेज भी आपने गेन करना चाही, कहीं चीज़ों को आपने समझना चाहा। और देखिए सरफेस लेवल पे जो भी था कहीं डीपर लेवल के लिए द फूल का कार्ड कहता है कि आप एक केयर फ्री एनर्जीज में रहे या फिर जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा था आपने बियॉन्ड द पॉइंट अपने मन को या फिर डीपर लेवल की एनर्जीज को इफ़ेक्ट नहीं होने दिया, एक केयर फ्री एनर्जीज अपने अपने लिए रखी, आपने पास्ट को लेट गो करना चाहा या फिर करा और फ्यूचर के बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करी, आपने कहीं करंट मोमेंट को ही इंजॉय करना चाहा। और देखिए कहीं मिड ऑफ 2021 के लिए सेलिब्रेशन एंड थ्री ऑफ सोल्स के कार्ड कहते हैं कि रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर किसी सेलिब्रेशन किसी गेट टुगेदर को लेकर कुछ इश्यूज कुछ मसले रहे या फिर इन जनरल ही हो सकता है कि आपने यू नो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाहा, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाहा, कहीं यू नो एक फ़न मज़ा मस्ती लाना चाही लेकिन उस तरीके से आप किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाए, उस तरीके से एक फ़न मज़ा मस्ती आप नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड अगेन मैं कहूँगी कि एक इन्जॉयमेंट की बात करता है लेकिन थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग की बात करता है, हर्ट की बात करता है, पेन की बात करता है। तो देखिए दोनों ही चीज़ें किसी लेवल पे इनफैक्ट सबके लिए डिफरेंट लेवल्स पे 2021 के मिड में या फिर ओवरऑल 2021 में रही। और देखिए कहीं एंड ऑफ 2021 के लिए द एम्प्रेस एंड माइंड के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे तो एक कंफर्ट आया, एक लग्जरी आई, कहीं जो भी आपका यू नो गोल था किसी लेवल पे आपने उसको अचीव किया, जो भी आपने एफर्ट किया था मेहनत करा था उसका भी अगेन मैं कहूँगी किसी लेवल पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला लेकिन मन ही मन एक सुकून एक पीस ऑफ माइंड आपने नहीं महसूस किया। आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान रहे या फिर नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में चले। तो ओवरऑल के लिए देखिए मिड ऑफ 2021 सरफेस लेवल के लिए बहुत ग्रेट नहीं रहा लेकिन डीपर लेवल के लिए आपने उसको यू नो ठीक करना चाहा, आपने चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी बेटर करना चाहा। और एंड ऑफ 2021 में कहीं सरफेस लेवल पे चीज़ें ठीक हुई लेकिन मन ही मन में उतना पीस ऑफ माइंड उतना सुकून आपने नहीं महसूस किया। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए 2021 का एक बहुत ही यू नो सरसरी सा ओवरव्यू। एंड एरीज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रॉडली स्पीकिंग 2022 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो फिर से देखिए इन जनरल के लिए हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं सन एंड मून। सन एस्ट्रोलॉजी में कहीं फादर या फिर फादरली फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, मून मदर या फिर मदरली फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रॉडली स्पीकिंग इन दोनों पे काफ़ी सारे एरीज का फोकस रह सकता है। और स्पेसिफिकली देखें तो सन कहीं आपकी सोल आपकी स्पिरिट की भी बात करते हैं और जो भी कार्ड सन के साथ हैं कहीं आपकी सोल उन्हीं चीज़ों में उन्हीं लोगों में बसती हुई दिख रही है। और देखिए सन के साथ कैंसर राशि एंड थर्ड हाउस के कार्ड्स हैं। कैंसर राशि कहीं मदरली एनर्जीज की बात करती है
इमोशंस की बात करती है, सेंटिमेंट्स की बात करती है, सेंसिटिविटी की बात करती है। थर्ड हाउस कहीं सिबलिंग्स की बात करता है, फ्रेंड सर्कल की बात करता है, नेबरहुड की बात करता है, कनेक्शंस की बात करता है, शॉर्ट ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेटिव स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और देखिए, इन तीनों कार्ड्स को हम कंबाइन करें तो हो सकता है कि अपने सिबलिंग्स के साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, जहाँ इन्हीं लोगों के साथ एक लविंग केयरिंग कम्युनिकेशन है, वहीं ईगो इश्यूज भी रह सकते हैं। और देखिए, ऐसा आप अगर एरीज पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ईगो बहुत बड़ा रीज़न होता है रिलेशनशिप्स के ख़राब होने का। तो फिर से देखिए, मैं कहूँगी कि इस चीज़ को आप चेक करके करेक्ट करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स की बात करता है, तो हो सकता है 2022 में आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए, थर्ड हाउस कहीं एफर्ट, मेहनत की भी बात करता है। सन भी कहीं करेजियस एनर्जीज की बात करता है, बहुत बोल्ड एनर्जीज की बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी लेवल पे एक फियर आप महसूस कर रहे थे, तो 2022 में कहीं वो फियर भी आपका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आप अपफ्रंट होके चीज़ों को डील कर रहे हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी, बहुत एक करेजियस, बहुत एक बिंदास, बहुत एक बोल्ड एनर्जीज अपने गोल, अपने मकसद या फिर इन जनरल के लिए रहती हुई दिख रही हैं। आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके लिए लेते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, मून जैसे कि मैंने आपको बताया मदर को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं फोर्थ हाउस भी काल पुरुष की कुंडली में मदर का घर होता है। तो फिर से देखिए, मदर के ऊपर काफ़ी अटेंशन आपका रह रहा है, मदर के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे ये पॉजिटिव आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए, मून कहीं माइंड की भी बात करता है एस्ट्रोलॉजी में, और जो भी कार्ड्स मून के साथ हैं, कहीं आपका मन भी उन्हीं चीज़ों में रहता हुआ दिख रहा है। तो फिर से देखिए, फोर्थ हाउस कहीं लैंड प्रॉपर्टी की बात करता है, फोर्थ हाउस कहीं काल पुरुष की कुंडली में माँ का घर है, फोर्थ हाउस व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, गाड़ियों को भी रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस कहीं पीस ऑफ माइंड, सुकून की भी बात करता है। तो देखिए, फिर से इन सब चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं, या फिर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, खरीद रहे हैं, या फिर उसी से ही रिलेटेड डिस्कशंस प्लानिंग चल रही है। जो लोग व्हीकल खरीदना चाहते हैं वो भी कहीं 2022 में कोई व्हीकल, कोई गाड़ी या तो खरीद रहे हैं, या फिर उसी से ही रिलेटेड प्लानिंग डिस्कशंस चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर्थ हाउस सुकून, पीस ऑफ माइंड की भी बात करता है। तो कैसे अपनी लाइफ में आप एक पीस ऑफ माइंड लेकर आएं, उसके ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और फोर्थ हाउस कहीं मदर कंट्री, मदर लैंड की भी बात करता है। तो जो लोग पेट्रियाटिक हैं, हो सकता है अपनी मदर कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो लोग अपनी मदर कंट्री से दूर रहते हैं, कहीं हो सकता है कि आप अपने मदर लैंड को बहुत मिस कर रहे हैं। और देखिए, जेमिनी साइन कहीं लॉजिक की बात करती है, जेमिनी साइन कहीं कम्युनिकेटिव स्किल्स की भी बात करता है, जेमिनी साइन कहीं इम्पल्सिव एनर्जीज भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप किसी लेवल पे थोड़े से इम्पल्सिव, थोड़े से जल्दबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, आप इमीडिएट एक्शन लें, लेकिन आप किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो हम सही से नहीं सोच पाते हैं, और फिर हमारे डिसीजंस और चॉइसेस भी उतने सही नहीं रह पाते हैं। तो फिर से देखिए, इस चीज को चेक करके करेक्ट करें। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस यमयाना, गॉडेस वाइट तारा एंड गॉडेस कोवेंशिया के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए, गॉडेस यमयाना गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात करती हैं, और ये कहती हैं, इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो देखिए, किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड, इनफैक्ट देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं, जहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, गॉडेस आपको यही सजेस्ट करती हैं कि आप थोड़े से अलर्ट रहें और इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करें, ग्रैब करें।
एंड गॉडेस वाइट तारा सेंसिटिविटी की बात करती हैं और ये कहती हैं यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरमेंट, सिचुएशंस एंड केमिकल्स. तो देखिए, हाल फिलहाल भी किसी रिलेशनशिप, किसी जगह या फिर किसी गोल मकसद को लेकर आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, या फिर 2022 में भी आप किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को सेंसिटिव होते हुए पाएँ, तो ज़रूर इस चीज़ को भी चेक करके करेक्ट करें. क्योंकि देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे कैंसर राशि है, मून ग्रह भी है, ये भी कहीं सेंसिटिविटी, इमोशंस और फीलिंग्स की बात करते हैं. तो देखिए, इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि यही चीज़ हमें ह्यूमन भी बनाती हैं. लेकिन जब टू मच हम चीज़ों को लेके इमोशनल हो जाते हैं या फिर एक अटैचमेंट रखते हैं, तो कहीं हम अपने लिए परेशानियां भी लेकर आते हैं. तो देखिए, मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ को आप कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें. और फिर से देखिए, कहीं पे भी आप अपने आप को ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव किसी चीज़ के लिए भी होते हुए पाएँ, तो तुरंत आपने उस चीज़ को चेक करके करेक्ट करना है. एंड गॉडेस कोवेंशिया प्योरिफिकेशन की बात करती हैं और ये कहती हैं इट्स टाइम फॉर अ क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड. तो पीछे देखिए, किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत परेशान हुए हैं, एक स्ट्रेस, एक टेंशन भी आपने लिया है, तो 2022 एक प्योरिफिकेशन या फिर डिटॉक्सिफिकेशन का भी पीरियड रह सकता है. और यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए गॉडेस की तरफ से मैसेज भी हो सकता है कि आप अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करें, आप अपने आप को रिजुविनेट करें, अपनी बॉडी और अपने माइंड को आप ज़रूर रिलैक्स करें. एंड देखिए, आर्केटाइप से हमारे पास द सेल्फ का कार्ड है और बहुत ही क्लियरली सेल्फ का कार्ड अपने ऊपर फोकस करने की बात करता है. और ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने अपने आप को बहुत इग्नोर किया और कहीं 2022 में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया लोगों के बारे में सोचना, अब आप खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम्स, अपने विशेस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं. और हो सकता है कि कुछ ऐसा ही आप कर भी रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने सेल्फ को कैसे और इम्प्रूव करें, आप उस पर फोकस कर रहे हैं. और देखिए, सेल्फ कहीं अगर हम ट्रू सेंस में देखें तो हमारी सोल होती है और सन कार्ड भी कहीं सोल की बात करता है. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर अपनी सोल, अपनी स्पिरिट से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं. और देखिए, यहाँ पे डेड एंड का कार्ड एंडिंग्स और बिगनिंग की बात करता है. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से या तो एंड करना चाह रहे थे और कहीं 2022 में जाने से पहले एक एंडिंग, एक बिगनिंग रह रही है, या फिर 2022 में ही कोई चीज़ कम्प्लीटली एंड हो रही है. और फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ की एक शुरुआत भी होती हुई दिख रही है. और देखिए, लवर का कार्ड फिर से सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर हो सकता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेल्फ के साथ लव करना चाह रहे हैं, यानी कि सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और देखिए, जो लोग सिंगल हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए लवर्स का कार्ड कहता है कि भाई आपके लव रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं या फिर आप उनको बेटर करना चाह रहे हैं. और देखिए, यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड है, तो कहीं 2022 में आप अपने सोलमेट से भी कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं. और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए डिफर कर सकता है क्योंकि सोलमेट सिर्फ और सिर्फ एक प्यार मोहब्बत वाला ही नहीं होता है. कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपके सिबलिंग, आपकी मदर, आपके फादर, आपका कोई फ्रेंड. अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है. तो कहीं 2022 में अगेन आप अपने सोलमेट से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं. एंड देखिए, यहाँ पे नेचर एंड फॉरगिवनेस के भी कार्ड्स हैं और नेचर का कार्ड कहता है कि या तो आप ऐसी जगहों पे विजिट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर है, या फिर इन जनरल ही आप नेचर से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं.
एंड देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड कहता है कि किसी भी इंसान के लिए पीछे आपके मन में बहुत ग्रजेस थे या फिर एक गुस्सा था, एक फिर से मैं कहूँगी कि अच्छी फीलिंग नहीं थी, तो 2022 में उनके लिए या तो एक फॉरगिवनेस आ रहा है। होता है ना कभी कभी हम चाह के भी किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है उन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया, इतना बुरा किया, तो फाइनली या तो 2022 में आप उनको माफ़ कर पा रहे हैं, एक फॉरगिवनेस आपके मन में उनके लिए आ रही है, या फिर देखिए यहाँ पे एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2022 में जाने से पहले जिन भी लोगों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं या फिर आपके मन में गुस्सा था, आपके मन में हर्ट थी, आप उनको ज़रूर फॉरगिव करें, क्योंकि देखिए जब हम गुस्सा रखते हैं दूसरों के लिए तो कहीं हम खुद के लिए ही एक परेशानी लेकर आते हैं, क्योंकि जब भी हमारे अंदर गुस्सा है तो हमारे सेल्फ को भी वो परेशान करता है, और फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम फॉरगिव कर पाते हैं या करते हैं तो हम अपने लिए ही एक सुकून, अपने लिए ही एक पीस ऑफ माइंड लेकर आते हैं। एंड देखिए आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द कार्ड्स। और देखिए टी लीव से आप लोगों के लिए करियर एंड मैरिज के कार्ड्स हैं, तो जो लोग शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए 2022 की एनर्जीज काफ़ी सपोर्टिव रह रही हैं और करियर पे आप लोगों का काफ़ी फोकस रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट मंथ्स 2022 में आप लोगों के लिए हैं फरवरी, अक्टूबर एंड नवंबर। मैं एक बारी फिर से रिपीट कर दूंगी, फरवरी, अक्टूबर एंड नवंबर सिग्निफिकेंट मंथ्स आप लोगों के लिए 2022 के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। यस, देखिए मैंने यहाँ पे मोनोलॉजी मिस कर दिया, तो देखिए यहाँ पे मोनोलॉजी से आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैंसर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो किसी भी लव्ड वन को लेकर 2022 में आप अपने आप को फिक्र करते हुए पाएं तो यहाँ पे कार्ड आपको यही कह रहा है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। एंड वैक्सिंग क्रिसेंट मून कहता हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है उस पर आप ट्रस्ट करें, खुद पे ट्रस्ट करें, जिस गॉड को आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करें, और ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स, अपने विशेस को भी ज़रूर पा पाएंगे या फिर उनको भी आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। और देखिए न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड कहता है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स या फिर पॉजिटिव आउटकम आपको 2022 में ज़रूर मिलेगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे ये कार्ड यही कहता है कि हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने हार्ड वर्क करा है तो 2022 में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए 2022 का एक ओवरव्यू। एंड एरीज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 के फर्स्ट फोर मंथ्स दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो फिर से देखिए इन फोर मंथ्स को देखें तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि 2022 की स्टार्टिंग आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रह रही है। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स हैं द क्रिएटर, द हेरोफेंट। क्रिएटर कहीं फायर एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, और हेरोफेंट का कार्ड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है। और देखिए जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो ग्रोथ और प्रोग्रेस हमारी लाइफ में श्योर शॉट हो जाती है, क्योंकि जब भी हम अपने गोल, अपने मकसद के लिए एंथुजियास्टिक होते हैं, कहीं एक्साइटेड होते हैं, इन द प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऑफ द ग्राउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने गोल, अपने मकसद से भी हम डिविएट होते हैं। और जब साथ ही साथ एक स्टेबल एनर्जीज होती हैं तो हम बहुत ऊँची उड़ान भरते हैं, जैसे कि एक पौधा होता है ना, जितना ज़्यादा उसकी रूट्स, उसकी जड़ें ज़मीन के नीचे होती हैं उतना ही वो स्ट्रांग होता है और उतना ही उसको अपरूट करना मुश्किल होता है। तो देखिए कुछ ऐसी सी एनर्जीज आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं। यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड किसी चीज़ को क्रिएट करने की बात करता है,
और ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे सब एरीज़ के लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ हो सकते हैं जिसमें आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उसी वजह से या फिर इन जनरल भी मन ही मन एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं, अपने गोल अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए हेरोफेंट का कार्ड बहुत सारी बातों की बात करता है, इनफैक्ट देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके लिए डिफ़र भी कर सकता है, कुछ लोगों के लिए या फिर ओवरऑल ही एरीज़ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी फिक्सेटेड हो रहे हैं, एक स्टबर्न एनर्जीज़ हैं। तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी एरीज़ की फिक्सेटेड होना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन हम किस चीज़ को लेकर फिक्सेटेड हो रहे हैं वही डिटरमिन करता है कि अच्छा है या गलत है। जब हम अपने गोल अपने मकसद को लेकर फिक्सेटेड होते हैं तो कहीं इसको हम विल पावर कहते हैं, ये डिटर्मिनेशन होती है, और ऐसी एनर्जीज़ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही हमारी लाइफ में लेकर आती हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव चीज़ों के लिए फिक्सेटेड होते हैं, नेगेटिव चीज़ों के लिए ज़िद पकड़ते हैं, तब कहीं ना नेगेटिव एनर्जीज ही हमारी लाइफ में आती हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें, या मैं कह सकती हूँ कि पॉज करके थोड़ा सा आप इस चीज़ की चेकिंग कर लें। हेरोफेंट का कार्ड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़े इंस्टीट्यूट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं या फिर टीचिंग लाइन से हैं उनके लिए देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पीरियड में आ सकती हैं, या फिर हो सकता है कि आप ही कनेक्ट करना चाह रहे हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़े इंस्टीट्यूट से, या फिर हो सकता है कि अगेन उनकी तरफ से कोई ऑफर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और देखिए हेरोफेंट कहीं शादी की भी बात करता है, और यहाँ पे हेरोफेंट के साथ नाइन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस जॉय की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग की भी बात करता है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इन 4 मंथ्स में शादी से रिलेटेड बातचीत रह सकती है, शादी से रिलेटेड प्लानिंग चल सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, या मैं कह सकती हूँ कि ये 4 मंथ्स काफ़ी फेवरेबल आप लोगों के लिए रहेंगे। और देखिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में भी एक हैप्पीनेस जॉय रहती हुई दिख रही है, या मैं कह सकती हूँ कि मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक चल रही है। और देखिए हेरोफेंट कहीं रिलीजन या फिर स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, और फिर से देखिए हेरोफिन के साथ नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई रिलीजियस सेरेमनी भी या तो आप प्लान कर रहे हैं या फिर हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी रिलीजियस प्लेस को या फिर स्पिरिचुअल प्लेस को या तो आप विज़िट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप ज़्यादा इन 4 मंथ्स में यू नो अगेन मैं कहूँगी कि रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हेरोफेन कहीं यू नो एल्डरली जो लोग हैं हमारी लाइफ में उनको भी रिप्रेजेंट करता है, जो लोग पावर पोजीशन अथॉरिटी में हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, मैच्योर लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए या तो आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा डीलिंग्स हो रही हैं, ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, या फिर कोई ख़ास ऐसा इंसान है जिसकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। नटशेल में देखिए इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी रह रही है, और मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए नाइन ऑफ कप्स का कार्ड अगेन यू नो सेलिब्रेशन की बात करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग की बात करता है, और ये कार्ड थोड़ी सी एक रिलैक्सिंग एनर्जीज की भी बात करता है। तो यहाँ पे एरीज हो सकता है कि आप थोड़े से लेज़ी भी हो रहे हैं, और ऐसा हो तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। देखिए टाइम टू टाइम रेस्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन लेज़ी एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो फिर से देखिए इस चीज़ की चेकिंग करें। ओवरऑल देखिए ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस है, आप काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं मुझे, और नाइन ऑफ कप्स का कार्ड कहीं विश कम ट्रू की भी बात करता है, तो या तो कोई विश है आपकी जो इन 4 मंथ्स के मिड में या 4 मंथ्स में पूरी हो रही है, या फिर आप किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए नाइन ऑफ कप्स के नीचे प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं या फिर जिस तरीके से आप चीज़ों को परसीव कर रहे हैं उसकी चेकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं
कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं परसीव कर रहे हैं, आप कहीं रियलिटी से वाकिफ नहीं हैं। क्योंकि देखिए, ये कार्ड कहता है कि जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं, हो सकता है कि वो अगेन वैसी ना हो। यानी कि अगर आप किसी इंसान, किसी जगह या फिर किसी सिचुएशन को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है। और किसी इंसान, किसी जगह, किसी सिचुएशन को अगर आप बुरा समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बुरी नहीं है। देखिए, इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो चेहरे के ऊपर चेहरा है। नटशेल में ये कार्ड कहता है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रियलिटी से वाकिफ हों, और रियलिटी को जाने बगैर आप कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा काम ना करें। एंड देखिए, शायद इन 4 मंथ्स के एंड में यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि आप ऐसा कर भी रहे हैं। इस कार्ड में देखिए, एक पतला सा पर्दा है, वो कहीं हट रहा है और पीछे से एक फेस बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्ड यही कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर एक पर्दा था, तो वो पर्दा अगेन मैं कहूँगी हट रहा है। और ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपनी ही सोच को लेकर एक पर्दा था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी सिचुएशन या किसी इंसान को लेकर एक पर्दा था। यानी कि आप अगेन सच को नहीं देख पा रहे थे, या फिर सच से आप वाकिफ नहीं थे। तो किसी सच से भी इन 4 मंथ्स के एंड में आप वाकिफ होते हुए दिख रहे हैं, आप रियलिटी को जानते हुए दिख रहे हैं। इन नटशेल, जो भी चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, चाहे वो आपकी खुद की फीलिंग्स हों, सर्कमस्टांसेस हों, लोग हों, वो भी कहीं सामने आते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ का एहसास, किसी चीज़ की रियलाइजेशन भी रहती हुई दिख रही है। और देखिए, शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज यहाँ पे जजमेंट का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक एंडिंग, एक बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे ये एंडिंग, ये बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ को लेकर एक एंडिंग, एक बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। और देखिए, हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेना पड़े। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है, हम यही कहते हैं एरीज कि अगर आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेने पड़ रही है, तो उसको आप डिले ना करें, पोस्टपोन ना करें। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, आप ये डिसीजन लें, ये चॉइस लें। और देखिए, ओवरऑल के लिए देखें तो यहाँ पे पीस का कार्ड कहता है कि या तो एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आप अपने लिए चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड एक्शन, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर इन जनरल के लिए इन 4 मंथ्स में एक पीस, एक सुकून रह रहा है। और देखिए, डिफ़िकल्टी इन द बिगनिंग का कार्ड कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टीदिंग इश्यूज या फिर छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे जजमेंट के कार्ड में हमने देखा भी कि आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि इसी बिगनिंग को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को, अगेन मैं कहूँगी, अगर आप शुरू करना चाहेंगे, तो उससे रिलेटेड छोटे मोटे मसले या फिर टीदिंग इश्यूज भी आप फेस कर सकते हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए 2022 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का एक ओवरव्यू। एंड एरीज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो फिर से देखिए, इन 4 मंथ्स को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिबेल। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहने की बात करता है। क्योंकि ये माइनर आर्काना कार्ड है, तो छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो फिर से देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि जैसे कि हमने पिछले 4 मंथ्स में देखा, आप कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड टीथिंग इश्यूज हैं, मसले हैं, वही मसले कहीं कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए, इन जनरल ही हो सकता है, जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसी से रिलेटेड एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज हैं, या मैं कह सकती हूँ कि उतनी स्मूथ गोइंग आपको मिलती हुई नहीं दिख रही। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, एरीज, ये ज़िंदगी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इशू, कोई मसला ना हो। लेकिन अगर वो छोटे मोटे से हों और उनको हम आसानी
से ओवरकम कर दें तो उनको देखिए हम प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। और आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा ही मेजरली रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए कुछ लोगों के लिए ये मसले, ये प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल हो सकती हैं, और अगर एक्सटर्नल हैं तो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है, जो आपके आसपास लोग हैं उनकी वजह से हो सकता है, उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, कहीं यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज इंटरनल हो सकती हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा, एक उलझन आप महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे द रिबेल के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर ना लिटरली अपनी चेन्स को तोड़ रही हैं। और रिबेल का कार्ड भी कहीं एक एग्रेसिव एनर्जीज की बात करता है, इनफैक्ट रिबेल वर्ल्ड ही कहता है कि अगेंस्ट द टाइड यू नो आप जा रहे हैं। तो फिर से देखिए हो सकता है कि कोई चीज़ आपको लिमिट कर रही है, कोई चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, या फिर आपकी फ्रीडम को किसी लेवल पर ब्लॉक कर रही है। और ये सबके लिए अगेन डिफर कर सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जगह से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो किसी लेवल पे आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, कहीं उसी को ही लेकर एक फाइटिंग सी भी रहती हुई दिख रही है, या फिर उन चेन्स को, उन लिमिटेशंस को, उन रिस्ट्रिक्शंस को आप तोड़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आपका ये एफर्ट वेस्ट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड पेशेंस के कार्ड कहीं एक हैप्पी एनर्जीज की बात करते हैं। हालांकि की पेजेस छोटी मोटी खुशी की बात करते हैं, लेकिन देखिए खुशी तो खुशी ही होती है। और कहीं आप यू नो एक पीसफुल या एक फिर से मैं कहूँगी जॉयफुल एनर्जीज में रह रहे हैं। और देखिए इन दोनों कार्ड्स के एक दो मतलब हो सकते हैं, या तो पेशेंस एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे, और ज़्यादा न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल या मैसेज हो सकता है वो आपको मिल रहा है, या फिर किसी न्यूज़, किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल को लेकर आप बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं। और जो भी हो देखिए इन 4 मंथ्स के मिड के लिए ये दोनों कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आप अच्छा ही फील कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड किसी बच्चे की भी बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी बच्चे की तरफ से एक खुशी, एक हैप्पीनेस रह रही है। और देखिए पेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चे होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी थोड़ी सी इमैच्योर एनर्जीज किसी चीज़ को लेकर हो। हालांकि देखिए पेशेंस का कार्ड उसको कवर अप भी कर रहा है कि आप पेशेंस और सब्र भी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी एरीज किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप यू नो ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो उस चीज़ को आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वही हमें ह्यूमन भी बनाती हैं। लेकिन कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो फिर से देखिए इन 4 मंथ्स के मिड में कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आप लें तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें, डिस्कस कर लें। और अगर आप ओवर इमोशनल या ओवर सेंटिमेंटल किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, ओवर अटैच किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, तो इस चीज़ को चेक करके आप ज़रूर करेक्ट करें। एंड देखिए इन 4 मंथ्स के एंड के लिए यहाँ पे द सोर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहीं यू नो एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करते हैं। दोनों ही फायर एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेस कहीं नई बिगनिंग की बात करते हैं, और सोर्स का कार्ड कहीं टैरो में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो फिर से देखिए यहाँ पे भी मन ही मन एक नई बिगनिंग किसी भी चीज़ को लेकर आप करना चाह रहे हैं, और मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म है, कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो उतना एंथुजियाज्म, उतना एक्साइटमेंट अगेन आप सरफेस लेवल पे नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर जितने एक्शन, जितने इनिशिएटिव्स आपको लेने चाहिए उतने आप नहीं ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्वीन फीमेल को
रिप्रेजेंट करती हैं, तो किसी फीमेल की वजह से भी आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट या तो लो है या फिर आप ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हैं। तो देखिए, जो भी हो, एक बैलेंस इन एनर्जीज में भी आप ज़रूर रखें। तो देखिए, ओवरऑल ठीक ठाक सी एनर्जीज इन 4 मंथ्स के लिए भी रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए, फिर से आप लोगों के लिए पीस का कार्ड है। तो फिर से देखिए, हम अगर स्टार्टिंग से अब तक देखें तो ओवरऑल ही एक पीस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर एक पीसफुल एनर्जीज हैं। और देखिए, पीस का मतलब ये नहीं है कि कोई इशू, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स में हमने देखा भी कि छोटे मोटे इश्यूज हैं। पीस का मतलब ये होता है कि हम बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं या फिर हम इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और कहीं देखिए हमारा फोकस पीस मेंटेन करने पे ज़्यादा है। और देखिए, यहाँ पे रीजनरेशन का कार्ड सेकेंड चांसेस की बात करता है, किसी चीज़ के रिवाइव होने की बात करता है। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए देखिए आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रेंड में से कोई चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रेंड में से कोई चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपने उम्मीद ही खो दी थी। आपको लगता था कि भाई अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ एंड हो गई। उसी से ही रिलेटेड दोबारा से एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, चीज़ें किसी लेवल पे रिवाइव होती हुई दिख रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपको उसी से ही रिलेटेड एक सेकेंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनको सेकेंड चांस मिलता है। और अगर आपको भी ऐसा लगे तो इसको ज़रूर अवेल करें, इसको ज़रूर अगेन मैं कहूँगी आप यूटिलाइज़ करें। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए 2022 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त का एक ओवरव्यू। एंड एरीज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो फिर से देखिए, इन 4 मंथ्स को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बर्डन। और देखिए, बर्डन का कार्ड कहता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस प्रेशर, इस टेंशन के। लेकिन देखिए, जो भी हो, सरफेस लेवल के लिए एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस कार्ड में एक तलवार है, तलवार के ऊपर क्राउन है। और ये कार्ड कहता है कि बियॉन्ड द पॉइंट आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़बरदस्त एक फाइटिंग स्पिरिट रख रहे हैं। और देखिए, ऐसा करके एक सक्सेस, एक विक्ट्री भी किसी लेवल पे आपको मिल रही है। इन नटशेल देखिए, हो सकता है कि कुछ मसले हैं, कुछ इश्यूज हैं। और देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन आपको यही कहता है कि आपको फाइट करने की ज़रूरत है, और अगर आप फाइट करते हैं तो आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगा। और देखिए, दूसरी चीज़, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी लेवल पे एक डिटैचमेंट की बात करता है, कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, कहीं माइंड से चलने की बात करता है। और जो भी सिचुएशन है, जो भी मसला है, उसी को ही लेकर एक क्लैरिटी लाने की बात करता है। और देखिए, कुछ ऐसी भी एनर्जीज आपकी इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या फिर इन 4 मंथ्स में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे चीज़ों को लेकर आप बियॉन्ड द पॉइंट इमोशनल नहीं हो रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं, आप माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक डिटैचमेंट या तो आप लाना आ रहे हैं या फिर एक डिटैचमेंट आ रहा है। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेकर ऐसी एनर्जीज में आप हैं। और देखिए, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए रीबर्थ एंड द मून के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन अगेन किसी भी चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप एक नई बिगनिंग लाना चाह रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए द मून का कार्ड कहता है कि इसी से ही रिलेटेड कहीं एक कन्फ्यूजन रह रहा है, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह रही है, कहीं हो सकता है कि आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में भी हैं। और देखिए, यहाँ पे एरीज, मैं आपको यही कहूँगी कि हमारा जो माइंड होता है वो नेगेटिव थॉट्स के लिए बहुत बहुत फर्टाइल होता है।
एक नेगेटिव थॉट आता है और फिर झट से ये नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होते हैं और हम अपनी ही क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी में गुम हो जाते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, जो भी फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो भी कहीं हमारे ही माइंड की क्रिएशन होती है, और इस चीज़ को भी आप ज़रूर इन 4 मंथ्स में ओवरकम करें। और फिर से देखिए, इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप क्लैरिटी लाने पे फोकस कर रहे हैं और कहीं मिड में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में भी जितना आप चीजों को लेकर क्लैरिटी रखेंगे उतना ही आप बेटर भी फील करेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि लाइफ बहुत बहुत सिंपल है, हम ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तभी होती है जब हम अपने गोल को अपने सामने नहीं रखते हैं। अगेन देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते और करते कुछ और हैं, और इसीलिए हमारी लाइफ में होता भी कुछ और है। तो देखिए, इस चीज़ की चेकिंग अगेन इन 4 मंथ्स में आप ज़रूर करें। और देखिए, जो भी हो रहा है कहीं इन 4 मंथ्स के एंड के लिए, यहाँ पे सरफेस लेवल के लिए डेविल एंड डीपर लेवल के लिए हार्मनी के कार्ड्स कहते हैं। अगेन सरफेस लेवल में या तो एक प्रेशर, एक टेंशन से आप बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का एक स्ट्रेस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, डेविल कहीं ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं पॉसेसिव एनर्जीज़ की बात करता है, और यहाँ पे सबके लिए ये ऑब्सेशन, ये पोजेसिव एनर्जीज डिफर कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई गोल, कोई मकसद हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन जब भी एरीज़, हम अगेन कहूँगी कि पोजेसिव एनर्जीज में आ जाते हैं या फिर बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि भाई किसी भी हालत में हमें ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए हैं, तभी हम परेशान भी होते हैं। और देखिए, हम एक लिमिट तक देख पाते हैं, यूनिवर्स बहुत दूर तक देख पाता है। और जब हम अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करते हैं एंड रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं, यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखते हैं, सरेंडर मोड में रहते हैं, तो देखिए हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं। और देखिए, कुछ ऐसा ही करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसा किसी लेवल पे करना भी चाह रहे हैं। और देखिए, नीचे हार्मनी का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई खास मसला, कोई खास इशू नहीं है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की वजह से एक टेंशन, एक प्रेशर है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सरफेस लेवल पे जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, डीपर लेवल पे कैसे एक सुकून आप अपने लिए रखें, कैसे एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करें, उस पर फोकस कर रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि डीपर लेवल पे आप बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल एनर्जीज के लिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स एक तरीके से आपको गाइडेंस दे रहे हैं। राउजिंग के कार्ड को अगर मैं आपको कोटेशन के हिसाब से समझाऊं तो ये कार्ड कहता है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जैसे होता है ना, जब छोटे मोटे मसले हमारी लाइफ में होते हैं और हम उनको उसी टाइम चेक करके करेक्ट कर लें तो बड़े इश्यूज, बड़े मसले हमारी लाइफ में नहीं आते हैं। इसी तरीके से अराउजिंग का कार्ड कहता है कि किसी भी लाइफ के एरिया में अगर आप एक डिसकंफर्ट महसूस कर रहे हैं, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, आपने उसको अपफ्रंट होके डील करना है, चेक करना है, करेक्ट करना है। कितनी बारी होता है कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती है या फिर हम बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और फिर बाद में हम परेशान भी होते हैं। और ऐसे ही जब बच्चे कोई भी शरारत करते हैं, एट टाइम स्कूल से अब्यूसिव लैंग्वेज सीख कर आ जाते हैं और उनको हम उसी टाइम चेक करके करेक्ट नहीं करते हैं, तो बाद में उनकी हैबिट बन जाती है। और देखिए, ये दो एग्जांपल्स मेरे माइंड में आए, मैंने आपको बताया। ये कार्ड कहता है कि अगेन किसी भी लाइफ के एरिया में कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप एक डिसकंफर्ट महसूस कर रहे हैं, फिर से आपने उसको इग्नोर नहीं करना, आपने उसको डील करना है और उसी टाइम उसको चेक करके करेक्ट करना है। और देखिए, टाइम फॉर अ नैप का
का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा रेस्ट लेना, अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करना, रिचार्ज करना इस टाइम पीरियड में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे कार्ड्स एक स्ट्रेस, एक टेंशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे में देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एरीज कि आप खुद से एफर्ट करें और एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून अपने लिए लेकर आएँ, अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करें, अपनी एनर्जीज को चार्ज करें। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए 2022 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक ओवरव्यू।